तो लमसम के क्वेश्चंस हम कर चुके थे, इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन करने हैं, और मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। आप पूरा डीआरआर एक साथ बना लीजिए, आप 4 बार में बनाइए, 3 बार बनाइए, इट डिपेंड्स। बट अगर क्वेश्चन में लिख के आया है तो इन फुल सो कॉल्ड सोलन स्पिरिट आपको लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देगा कि आपने रिडेम्पशन कैसे कैसे किया है, ठीक है। एंड देन वील डू 16, जहाँ पे अगेन क्वेश्चन आपको डेट बता देगा, तो क्वेश्चन में लॉजिक आपको अलग अलग नजर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 15, चल रहा है विजिबिलिटी ओके टू ऑल। चलो यस सर। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इन योर कॉपीज वेरी क्विकली। एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो आई एम ड्राइंग इट साइड बाय साइड सो दैट क्वेश्चन भी आपको विजिबल रहे एट ऑल टाइम्स। चलिए सो पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझ लेते हैं। चलन क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज इन द क्वेश्चन, रिच शुगर लिमिटेड इशू 20 लाख 8% डिबेंचर्स डिवाइडेड इन टू डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013, रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पेमेंट किया। पहला पेमेंट चिल्ड्रन 31 मार्च 2016 को हुआ है, दूसरा 17, तीसरा 18 और चौथा 19 को। देन द क्वेश्चन सेज कि हमने 2.5 लाख रुपए हर साल ट्रांसफर किया, एक बार 14 में और एक बार 15 में, और 3 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया एंड डिसाइडेड टू एनकैश द सिक्योरिटीज आफ्टर लास्ट रिडेम्पशन। मतलब आखिरी बार जब हमने पेमेंट किया तभी हमने सो कॉल्ड डिबेंचर्स बेचे, मतलब जो सिक्योरिटीज खरीदी हैं वो लास्ट में बेची हैं, हर बार हमने बेची नहीं है। तो क्वेश्चन का लॉजिक वेंट वेल। यस सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया 1 अप्रैल 2013 को, सो 1.4.13 हम एंट्री पास कर लेते हैं चलन फॉर इशूइंग डिबेंचर्स। तो आई होप सो सबको एंट्री आती है। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो इज इट मेंशन इन द क्वेश्चन कि डिबेंचर्स को पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया कि डिस्काउंट पे इशू किया, चलो क्या मेंशन है। नो सर। हम अज्यूम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट पार। सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, और वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। सो ये 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, इट्स 20 लाख। प्लीज पुट द फर्स्ट टू एंट्रीज फास्ट एंड सेकेंड एंट्री में भी ऑल्सो चिल्ड्रन वील बी हैविंग दिस सेम अमाउंट दैट इज 20 लाख रुपीज। नाउ क्वेश्चन सेज कि ये डिबेंचर्स हमने 4 बार में रिडीम किए चिल्ड्रन, करेक्ट, और ये हमको बता दिया गया है कि 2.5 लाख रुपए 2 बार डीआरआर में ट्रांसफर हुआ है। डज द क्वेश्चन एनी वेयर सेज कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन है, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है। ऐसा कुछ नो नो। तो यहाँ पे 10% वाला लॉजिक चलेगा, तो 20 लाख रुपीज का 10% तो 2 लाख होता है, 20 लाख का 10% इज 2 लाख। बट अगर आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा होता तो हम पूरा का पूरा 20 लाख रुपए ट्रांसफर करते। अब आप कहेंगे सर 2 लाख होना चाहिए, ये 2.5 लाख 2 बार में, तो 5 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है 25% वाला, ये भी कॉन्सेप्ट है। इन सर्टन केसेस आप 25% ऑफ द फेस वैल्यू डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो लेट्स डू द ट्रांसफर एंट्री।
और आपने पहला रिडेम्पशन 31 मार्च 16 को किया है। आई रिपीट, पहला रिडेम्पशन हुआ है 31 मार्च 2016 को। बात समझ में आ रही है? चलो, सर, यस सर। तो हम पहले 14 और 15 में एंट्री पास कर लें फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जर्नल एंट्री हमने पढ़ी हुई है इसके, चलन एंड द जर्नल एंट्री इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 2,50,000, दैट्स वाई हम 2,50,000 लिख रहे हैं। एल्स हम रूल फॉलो करते, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखा है तो 100%, और आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर नहीं लिखा चिल्ड्रन तो 10%। बट एक रूल 25% वाला था, अब वो डिस्कार्ड हो गया है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंगली ऑथर ने ये बात लिखी हुई है। तो सबको समझ में आ गया जो हमने दो ट्रांसफर्स किए चिल्ड्रन? इतना क्लियर है? यस सर। पहला रिडेम्पशन आपने कब किया? 31 मार्च 2016। 31 मार्च 16 के ठीक पहले अप्रैल 30 किस डेट को आया होगा? 31 मार्च 16 से ठीक पहले अप्रैल 30 का पैदा हुआ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे, एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने के इन्वेस्टमेंट खरीदे? इफ नथिंग वुड हैव बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, आप 20 लाख का 15% निकालते जो कि 3 लाख आता। यहां पे ऑलरेडी 3 लाख आपको दे दिया गया है। सुनाई पड़ गई बात? अब थोड़ी सी अकल लगानी है आपको। हमने 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स का पेमेंट 4 बार में किया है, तो एक बार में सिर्फ 5 लाख का पेमेंट किया, एक बार में 5 लाख का पेमेंट किया चलो। तो सर एक बार में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों 5 लाख का ही पेमेंट किया 2016 में, फिर 17 में 5 लाख, फिर 18 में 5 लाख, और फिर 19 में 5 लाख, तो आपको मैक्सिमम जो DRR चाहिए वो कितने का चाहिए? 5 लाख। और आपने 5 लाख का DRR बना भी लिया है, तो क्या क्वेश्चन कुछ गलत है? तो हम यहाँ पे एक ही बार DRR बना लेंगे, और 4 रिडेम्पशन जब पूरे हो जाएंगे तब इसको क्लोज करेंगे। बनाइए, क्लोज करिए, फिर बनाइए, फिर क्लोज करिए, फिर बनाइए, फिर क्लोज करिए। जैसे शादी वगैरह में घर में कोई गेस्ट आते हैं, पता है कि 1-1.5 घंटे तक अभी गेस्ट आएंगे ही आएंगे, क्या बार बार आप लॉक कर देंगे अपना गेट? चिल्ड्रन यू सर, लेट द गेट बी ओपन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? एंड देयर आफ्टर आपको 15% इन्वेस्ट करना है। कितना? 15% इन्वेस्ट करना है चिल्ड्रन। 5 लाख का 15% तो 75,000 होता है ना, बट इस एग्जाम्पल में ऑथर ने कितना इन्वेस्ट करने को बोला है? बोलता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। आई रिपीट, मिनिमम। तो DRR तो इन्होंने वैसे ही बनाया है 100% के हिसाब से। एक बार में 5 लाख का रिडेम्पशन करना है तो 5 लाख का DRR बना लिया, तो इनको इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख का 15% 75,000 करना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया? 20 लाख का 15%। तो इट इज अ साउंड कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस, बट बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आपको 15% इन्वेस्ट करना है, जो 5 लाख का 75,000 होता है, किस मोती और टॉमी ने हमें काटा है कि हम पूरा 3 लाख इन्वेस्ट कर दें? समझ में आ रही बात? बट क्योंकि क्वेश्चन में इट इज बीइंग सेड सो, तो हम डिनाय नहीं कर सकते। तो हमने पहले दो एंट्री इशू की कर ली चिल्ड्रन, एक रिसिप्ट और एक ट्रांसफर। फिर DRR क्रिएट करने की, ना लिखा होता कि आप 2 बार DRR क्रिएट करिए तो 2 एंट्री ना करते, आई वुड हैव सजेस्टेड कि आप एक ही एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे 3 लाख खरीदने की बात की है, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री कर ली। पहला रिडेम्पशन 31 मार्च 16 को होगा, हम रिडीम करेंगे बट हम इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे नहीं। हम बेचें फिर अगले रिडेम्पशन से पहले खरीदें, फिर बेचें फिर अगले रिडेम्पशन से पहले खरीदें, फिर बेचें फिर अगले रिडेम्पशन से पहले खरीदें। क्या न्यूसेंस है भाई, एक बार खरीद के छोड़ दो इसको और एकदम लास्ट में बेचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। हैड दिस नॉट बीन सेड इन द क्वेश्चन, एज अ पर्सन ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस आप यही काम करते, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एकदम लकीर के फकीर होते हैं।
जो सिखा दिया वही करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर रिडेम्पशन करेंगे, फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर रिडेम्पशन करेंगे, फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर रिडेम्पशन खरीदेंगे, फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर रिडेम्पशन करेंगे। क्या बेवकूफी है भाई, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो अगर बैंक्वेट हॉल में 15 शादियां इस महीने में होनी है, बार बार वो एक शादी के बाद टेंट हटाएगा फिर लगाएगा, वो 15 दिन के लिए उसको परमानेंटली लगे रहने देगा। समझ में आई बात, कंफर्म? चलिए तो ये बेसिक एंट्रीज हमने कर ली। अब हम 31 मार्च 16 को रिडेम्पशन ड्यू पेमेंट, फिर 17 को ड्यू पेमेंट, 18 को ड्यू पेमेंट, 19 को ड्यू पेमेंट, और बेचेंगे इसे एकदम आखिरी में, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है आखिरी रिडेम्पशन के बाद बेचिए, और डीआरआर तो वैसे भी हम बाद में ही क्लोज करते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड क्या लॉजिक फॉलो करते हैं? तो भाई यस सर। आई टॉट पहली 2 एंट्री आपको इशू की करनी है, फिर आप डीआरआर बनाएंगे हर बार। डीआरआर बनाने के बाद डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, फिर आप रिडेम्पशन का ड्यू एंड पेमेंट करेंगे, और फिर आप डीआरआर को क्लोज करेंगे। तो मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया था, 1 2 3 4 5, 6 6 एंट्रीज आपको हर रिडेम्पशन में करनी पड़ेगी। तो बच्चों हर रिडेम्पशन में अगर 6 6 एंट्री है तो 4 रिडेम्पशन में कितनी एंट्री हो गई? 24, और 2 एंट्री इशू की हो गई कितनी हो गई? 26। और 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बच्चे कहेंगे सर हम जा रहे हैं आत्महत्या करने, बहुत हो गया सर, ये प्रताड़ित किया जा रहा है सर, हमारा हाल जीसस क्राइस्ट वाला, हमको सूली टांगा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको कभी इतना परेशान नहीं करेगा, कहेगा डीआरआर एक बार खरीद करो, डीआरआई एक बार खरीद लो और एकदम लास्ट में उसको बेचना। तो यही एंट्रीज आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड हाउ वी डीविएट चिल्ड्रन? समझ में यस आ गया? सर। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द रिडेम्पशन प्रोसेस। पहला रिडेम्पशन आप कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2016, इजंट इट? इजंट इट? यस सर। यू एंट्री है 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। किसे पैसा देंगे बच्चों? टू होम व्हील पे? डिबेंचर होल्डर। वेरी गुड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेमेंट एंट्री वुड बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, व्हील पे कैश झोले में भर के, और व्हील ट्रांसफर मनी टू देयर अकाउंट। तो देयर अकाउंट। वेरी गुड, डेट वुड बी एग्जैक्टली सेम। एंड हाउ मच आर वी पेइंग देम चिल्ड्रन? 20 लाख का 1/4 कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख रुपीज की आप पेमेंट की एंट्री कर लीजिए। यही एंट्रीज आपको 4 बार रिपीट करनी है। बिकॉज सेम पेमेंट इज टू बी डन एवरी ईयर। अंडरस्टूड चलन? सो स्टूड? सो पहला रिडेम्पशन आपने किया 31 मार्च 16 को, दूसरा आप कब करेंगे चलन? दूसरा रिडेम्पशन कब करेंगे? 17। 31 मार्च 2017, तीसरा रिडेम्पशन 18 को, और चौथा रिडेम्पशन कब होगा? 19। 19 को। समझ में आई बात? पक्का? सर कंफर्म? लोग थोड़े जेलस होंगे, सर हमको भी कंप्यूटर ही चाहिए पेपर अटेंड करने के लिए, ताकि हम भी कॉपी पेस्ट से जल्दी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। चलिए बी क्विक, सर सो लेट्स कंटिन्यू द पिक्चर चिल्ड्रन। नाउ वील बी डूइंग द एंट्री एट लास्ट फॉर सेलिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स, और डीआरआर को क्लोज करेंगे या ओपन रहने दें? सिंपल क्लोज। एज दैट, डीआरआर को वील सर्टेनली क्लोज। सो डीआरआर क्लोज करने की एंट्री क्या होगी चलन? डीआरआर क्रेडिट था भाई, क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करेंगे आप? सिंपल एज दैट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाई सो कॉल्ड हम डीआरआर को जनरल रिजर्व में क्लोज करते हैं, व्हाई नॉट वी क्लोज इट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल?
तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, इफ वी क्लोज इट बाय ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इट वुड बी इंक्रीजिंग आर नेट प्रॉफिट, एंड सच इंक्रीज नेट प्रॉफिट वुड अट्रैक्ट अ हायर टैक्स लाइबिलिटी ऑन द कंपनी. वुड कंपनी बी विलिंग टू पे प्रॉफिट ऑन दैट टैक्स जो उन्होंने, सॉरी सॉरी, टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट जो कभी कमाए ही ना हो. सर बिल्कुल नहीं. इसलिए नेट प्रॉफिट में गड़बड़ी ना हो जाए चिल्ड्रन, दैट्स वाई हम इसे क्लोज करते हैं अपने जनरल रिजर्व अकाउंट में. समझ में आई बात? सर पक्का? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट्स हमने कितने के खरीदे थे चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट्स कितने के खरीदे थे? 3 लाख. और डीआरआर में कितना ट्रांसफर किया था हमने? 5 लाख. चलिए, तो डीआरआर को भी क्लोज कर लेते हैं, एंड द एंट्री वुड बी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. आपसे वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डीआरआर क्रिएट होता है तो बर्डन इज ऑन पीएल, तो जब डीआरआर को क्लोज करना है तो क्यों वही पीएल नहीं यूज किया जा रहा? तो मैंने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है. समझ में आ गई बात? चलो, यस सर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हाफ हाफ मिलेगा. सीबीएसई में तो आएगा ही नहीं, आईसी में भी क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का ही आता है, एंड मेजॉरिटी टाइम्स आपको लमसम ही मिलता है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स नहीं मिलता. बी क्विक चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू. सो चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू द अदर क्वेश्चन ऑफ टाटा मोटर्स. हेयर इट सेज कि 40,007% डिबेंचर्स 1 जुलाई 2009 को प्रीमियम ऑफ 5% पे इशू किए गए, करेक्ट? एंड चिल्ड्रन ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इशू पार पे किए गए, रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे. कैसे रिडीम होंगे? 16,000 के डिबेंचर्स रिडीम होंगे 2014 में, नेक्स्ट 16,000 रिडीम होगा 2015 में, एंड नेक्स्ट 8,000 रिडीम होगा 2016. एक गाइडलाइन आपको याद होगी, 18 मंथ से पहले अगर रिडीम कर देते हैं तो ये डीआरआर पीआरआर की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके? और बैंकिंग में भी नहीं पड़ती. तो यहां तो खैर बहुत डिस्टेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मान लो कि क्वेश्चन में इसके बाद कुछ ना लिखा होता, तो यू आर एट योर चॉइस कि 40,000 × 100 इज 40 लाख, 40 लाख, और एक बार में 16,000 डिबेंचर्स ही रिडीम करने या उससे कम, तो व्हाट इज 16,000 × 100 चलन? 16 लाख. 100% ऑफ 16 लाख इज व्हाट? 16 लाख. तो आपको 16 लाख से ज्यादा का डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है. 16 लाख का 15% कितना होता है चिल्ड्रन? 2,40,000. अरे 10%, 1,60,000. 5% 80,000. 1,60 और 80, 2,40, सब्जी वाली मैथ्स, ओके? 2,40,000 रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो 240 का इन्वेस्टमेंट आप 30 अप्रैल 2013 को कर लेंगे. अभी बेचिए मत, इसको भी रिडीम कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा बेच दीजिए या बाद ही में बेच दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीआरआर में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है 2011 में, 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है 2012 में, और बाकी का बैलेंस 13 में. तो आप बोलेंगे सर 16 लाख ट्रांसफर होना है, 2 यहां हो गया 4 यहां हो गया, 4 × 6 और कितना बचा? 10 लाख और ट्रांसफर करना है आपको. लॉजिक अंडरस्टूड? इट इज इन्वेस्टेड, सॉरी, इट इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड अमाउंट एंड डिसाइडेड टू एनकैश आफ्टर द लास्ट रिडेम्पशन. तो स्टिल क्वेश्चन आपके लिए इजी कर दिया गया है. रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सर लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. वेरी क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. डू आंसर मी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री चिल्ड्रन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 1 जुलाई 2009. व्हाट वुड बी द एंट्री चिल्ड्रन? व्हाट वुड बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट.
आपको डिबेंचर के साथ परसेंटेज लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वी हैव इश्यूड दीज डिबेंचर्स एट पार, सो 40,000 × 200 इज 40 लाख, एंड व्हाट वुड बी द ट्रांसफर एंट्री चलन, चलन व्हाट वुड बी द ट्रांसफर एंट्री, इट्स डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, करेक्ट। चलिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यहां पे आप परसेंटेज जरूर लिखें। अब आपको बोला गया है कि आपने पहला ट्रांसफर किया है 31 मार्च 2011 में, चल रहा है। सेकेंड ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन 31 मार्च 2012 एंड थर्ड ट्रांसफर टुक प्लेस इन 30। व्हाट्स द ट्रांसफर एंट्री फॉर ट्रांसफर टू DRR? गलत, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्लैंग लगता है, एक तरफ स्टेटमेंट बोल रहे हो एक तरफ अकाउंट बोल रहे हो, सो इट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR। पहले हमने कितना ट्रांसफर किया, 2 लाख, सेकेंड ट्रांसफर जो हमारा है दैट इज ऑफ 4 लाख, तो सेम एंट्री वील बी डूइंग, सेम एंट्री वील बी डूइंग चिल्ड्रन, वैल्यू सिर्फ कितनी हो जाएगी, 4 लाख 2012 में, और टोटल हमें ट्रांसफर करना है 16 लाख, तो नेक्स्ट हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 10 लाख। इतना सबकी बुद्धि में घुस गया, यहां तक कंप्लीट करिए चिल्ड्रन, then we start with the redemption process, be quick to this. Next, हमें investments खरीदने हैं, isn't it? So कितने investments खरीदेंगे, rule तो बोलता है 15% का, और investments कब हमने खरीदे ये तो question में लिखा था कि नहीं लिखा था, it was mentioned children or not mentioned, नहीं mentioned था कि कब खरीदे। चलिए, तो पहला redemption आपको करना कब है children, फर्स्ट रिडेम्पशन इज टू बी डन व्हेन, पहला रिडेम्पशन चिल्ड्रन कब होना है, नहीं भाई पहला रिडेम्पशन, अच्छा लिखा तो है सामने, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये नहीं लिखा कि कब इन्वेस्ट किया, पहला रिडेम्पशन आपके सामने लिखा है, इट इज टू बी डन ऑन 31 मार्च 2014। चलिए, तो चलन 31 मार्च 2014 से पहले कब आपका 30th अप्रैल प्रकट होगा, 2013 में, सो एंट्री वुड बी व्हाट फॉर परचेजिंग इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, आंसर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, 16 लाख का 15% कर दीजिए, 2,40,000, got it? Now we'll start with the redemption procedure. First redemption takes place on 31st March 2014, correct? But इस पूरे सॉल्यूशन में एक चीज हमने मिस हैंडल कर ली, वो क्या मिस हैंडल कर ली, हमने सो कॉल्ड प्रीमियम इस वाली एंट्री में गायब कर दिया, तो जरा इस एंट्री को रीड्रॉ कर लेते हैं चिल्ड्रन, जो आपकी सेकंड एंट्री थी बेसिकली, तो इसको जरा मरम्मत कर लीजिए, सेकंड एंट्री में देयर साउंड्स टू बी अ घपला, इसको ठीक करते हैं चिल्ड्रन, पुट द करेक्शन हियर, हमने एंट्री क्या लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद चिल्ड्रन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू कितने परसेंट डिबेंचर्स था, 7% डिबेंचर्स अकाउंट, बिकॉज डिबेंचर्स चिल्ड्रन प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वील राइट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सुनाई पड़ी बात? ऊपर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 40 लाख रुपीज क्रेडिट था, तो यहां पे डेबिट भी कितना करेंगे आप, 40 लाख, और 5% एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं तो इट बिकम्स 2 लाख। एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा चिल्ड्रन आपके डिबेंचर्स में फेस वैल्यू ही रहती है। सुनाई पड़ी बात? और प्रीमियम में भी कितना लिख देंगे हम लोग, 2 लाख। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए सब लोग? यस सर। कर लेंगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज कॉल्ड एज एंट्री फॉर रिडेम्पशन? तो पहला रिडेम्पशन कब हो रहा है बच्चों? फर्स्ट रिडेम्पशन टेक्स प्लेस व्हेन? 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014। सो द एंट्री वुड बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बेटर टू से 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। वी आर पेइंग सेम मनी और मोर? मोर। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को आप डेबिट कर लेंगे, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड देयर आफ्टर सेम डेट चिल्ड्रन 31 मार्च 2014 आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 16 लाख रुपए की फेस वैल्यू है जिनको पे करना है एंड 16 लाख पे 5% एक्स्ट्रा देना है चिल्ड्रन, तो 5% हो जाएगा 80,000। सी, लिख लिख के अगर कैलकुलेट करेंगे तो पेपर छूट जाएगा। सब्जी वाली मैथमेटिक्स जब होगी तभी कुछ कर पाएंगे अकाउंटेंसी में। इफ यू थिंक ये लिख लिख के सॉल्व करें तो भैया बड़े बन जाइए। एंड अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन वील मेक द पेमेंट टू देम। सुनाई पड़ गई बात? कोई DRR वगैरह क्लोज करने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस वी डू द लास्ट रिडेम्पशन। अगला रिडेम्पशन सेम होगा, द डेट वुड बी 2015 एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन सेम रिडेम्पशन बट वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी ऑन 16। सब वैल्यूज हाफ कर देंगे आप, ये हो जाएगा 8 लाख, दिस वुड बी चिल्ड्रन 40,000 एंड दिस वुड बी 8,40,000। अब आप अपने सो कॉल्ड DRR को भी क्लोज करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। समझ आ गई? सो DRR क्लोज करने वाली एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बिकेंगे 240 के। हमने तो एंट्री नोट्स में प्रॉफिट पे बेचना और लॉस पे बेचना सब पढ़ा था, बट आपके लेवल पे सब कुछ भी नहीं आता। एंड DRR कितने का क्रिएट किया था चलन हम लोग ने, 16 लाख्स का। सो व्हेन इट इज क्रिएटेड विद 16 लाख्स डेफिनेटली इट विल ऑल्सो बी क्लोज विद 16 लाख। तो ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, पूछिएगा जरूर कोई भी अगर आपको मिले आपके जीवन में, कि जब DRR को क्रिएट करते हैं तो PL से, तो वापस क्लोज भी PL में क्यों नहीं करते? तो लेट्स सी व्हाट आंसर यू गेट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। तो सबको समझ में आ गया हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन? यस सर। चलिए, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमने पढ़ा तो बहुत ढेर सारा था कि ये एंट्री बार बार होगी एंड ऑल दैट, बट रियलिटी में बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट, यू आर सपोज टू पे 10,000 रुपीज टू समबडी एंड सपोज टू गेट 7,000 फ्रॉम दैट बडी। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप 10 देंगे और 7 लेंगे, नेट आप उसे 3,000 दे देंगे। ओके यस सर। चलिए, तो इसका PDF मैंने आपको भेज दिया है, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं चिल्ड्रन। लॉजिक समझ में आ गया सबको? कर लेंगे आप? यस सर। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।